नमस्कार, गुरदासपुर में सरहदी हलका डेरा बाबा नानक में हिंद पाक की जीरो लाइन पर करतारपुर कॉरिडोर फ्लाईओवर को लेकर दोनों देशों के तकनीकी अधिकारियों की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग को लेकर क्या कुछ रहा, इसके बारे में भारत के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी जतिंदर सिंह ने बताया कि इस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से 4 अधिकारी और भारत की तरफ से 2 अधिकारी शामिल हुए और यह मीटिंग भारत की तरफ से तैयार किए गए फ्लाईओवर पर की गई जो कि जीरो लाइन तक तैयार हो चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसा ही फ्लाईओवर पाकिस्तान की तरफ 300 मीटर का तैयार किया जाना है जो भारत के फ्लाईओवर के साथ जोड़ा जाएगा। 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में सिर्फ फ्लाईओवर के मुद्दे पर ही बातचीत की गई। वहीं उन्होंने कहा कि रावी दरिया के तेज बहाव पानी को देखते हुए यह फ्लाईओवर बनाना अहम है और पाकिस्तान के अधिकारियों की बातचीत से मालूम होता था कि अब पाकिस्तान सरकार जल्द ही फ्लाईओवर तैयार कर देगी और इस फ्लाईओवर के बनने से करतारपुर साहिब को जाने के लिए एक रास्ता और तैयार हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही दूसरी मीटिंग भी की जाएगी। डेरा बाबा नानक से सलाम तारी की रिपोर्ट। हम वो नहीं कह रहे, हम चाहते हैं कि चीजें सबको पता चले, लेकिन सही चीजें पता चले। पाकिस्तान की तरफ से 4 लोग आए हुए थे, उसमें बेसिकली सारे सर्वे के लोग थे, उनके महकमा से कोई सीनियर ऑफिसर नहीं आए थे, सर्वे इंजीनियर थे मिस्टर नौशाद, वो आए हुए थे। और आज जो हम लोगों ने अपने सर्वे डाटा जो ब्रिज हमने बनाया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट को उन लोगों ने स्टार्टिंग में जो कोऑर्डिनेट है उसको उन्होंने लिया जो है वो। तो सर भारत की तरफ से तो तैयार हो चुका है, पाकिस्तान की तरफ से क्या फैसला लिया गया है फ्लाईओवर? पाकिस्तान के तरफ से ये फैसला लिया गया, वो लोग भी जो है उधर करीब 260 मीटर लंबा ब्रिज जो है, जो लो लाइन एरिया है उस लो लाइन एरिया पे वो ब्रिज बनाने जा रहे हैं वो लोग भी। तो ये इनिशियल स्टेज है जो सर्वे हम कहते हैं, तो सर्वे वो करने आए थे। जो हमने जो इंडिया के अंदर में जो 100 मीटर का ब्रिज हमने बना रखा है वो ब्रिज के ऊपर में वो कोऑर्डिनेट लेने आए थे। सो उनके कोऑर्डिनेट और हमारे कोऑर्डिनेट में डिफरेंट है, तो सेंट्रल लाइन का अलाइनमेंट है और जो FRL है तो हम लोगों ने FRL ऑलरेडी पहले ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से FRL शेयर किया हुआ है। जो FR2 है वो हमने पहले से इंडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को शेयर किया हुआ, वो रिकन्फर्म करने के लिए आया हुआ है। जैसे पहले लगता था कि पाकिस्तान जो है उनकी मंशा नहीं है ब्रिज बनाने की, अब इस बार क्या उनकी ऐसा बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो ब्रिज बनाना शुरू कर रहे हैं? ये एक इनिशियल स्टेज है और जो उनसे मेरी मुलाकात हुई है, जो बात से पता चल रहा है, सो वो लोग इंटरेस्टेड हैं और जल्दी ही ये बनने की जो है संभावना है। वो लोग शुरू कर सकते हैं? वो मेरी बात हुई है उनसे, वो ये कह रहे हैं सो अभी वो डिज़ाइन स्टेज पे है, ये डाटा लेके जाएंगे, प्रिलिमिनरी स्टेज है, ये डाटा लेके जाएंगे, वो डिज़ाइन कराएंगे, उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। केवल फ्लाईओवर के ऊपर ही बातचीत हुई है इस मीटिंग में कि किसी और मुद्दों को लेकर भी? मुद्दा कोई भी नहीं हुआ, मुद्दा जो है ये एक स्पेसिफाइड था जो सर्वे से रिलेटेड ही था, बस उसी पर बात हुई है और कोई उनके द्वारा भी कोई ऑफिशियर जो है नहीं थे। सर्वे की टीम थी, ये टोटल 4 लोग थे, एक सीनियर सर्वेयर थे, उनके साथ जो है 3 लोग और थे जो उनको असिस्ट कर रहे हैं। कोई कमेटी बनी हुई है सर इसकी? नहीं 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 नहीं, ऐसा चीज़ की अभी कोई कमेटी नहीं, ये तो इनिशियल स्टेज था जो सर्वे डाटा वो कलेक्ट कर रहे थे और ले जाके फिर डिज़ाइन बनाएंगे और फिर वो काम शुरू। सर मीटिंग हमारी साइड पे हुई है? बिल्कुल, हमारे ब्रिज के ऊपर में हुई है। हाँ, ब्रिज हमारे ऊपर है मीटिंग।